आज हम फिर वीसी सर को 7 दिन की मोहलत देते हैं कि आप लगातार हम बार बार कह रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी मांगे मान लो, लेकिन वीसी सर के समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यार्थी हित में काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक बार में और 7 दिन का समय। DPS तबीजी अजमेर, जहां अकेडमिक के साथ है डांस, म्यूजिक, जूडो, कराटे, आर्चरी, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। आज हम फिर वीसी सर को 7 दिन की मोहलत देते हैं कि आप लगातार हम बार बार कह रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी मांगे मान लो, लेकिन वीसी सर के समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यार्थी हित में काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक बार मैं और 7 दिन का समय देता हूं, आपके पास 7 दिन का समय, निर्णय ले लीजिए, प्रशासन काम कर दीजिए, जो हमारी भूख हड़ताल के टाइम जो मांगे मानी गई। अगर ये नहीं होता है तो 7 दिन बाद हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, ये हमारा निश्चित आज लास्ट फाइनल फैसला है। इसलिए हम 7 दिन आज एक बार और विश्वविद्यालय की शान के लिए, इसके सम्मान के लिए, और हम भूख हड़ताल से पीछे हट रहे हैं। लेकिन 7 दिन बाद अगर हमारा काम पर कोई फोकस नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो हम भूख हड़ताल करेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष, क्या मांगे रही है आपकी? हमारी सर्वप्रथम मांग है, जब हम भूख हड़ताल की तो हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि विश्वविद्यालय में 10 साल से जो लैब सामग्री वो नहीं आई, तो यहाँ पे कम से कम 7 से 8 डिपार्टमेंट ऐसे रेगुलर स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनके पास लैब सामग्री नहीं है, फर्नीचर नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, और गर्ल्स हॉस्टल की ऐसी हालत है कि वहाँ पे लड़कियों के करंट आ रहा है कहीं बाथरूमों में, तो वो समस्या, उसकी रिपेयरिंग के लिए पैसे भी निकले। बॉयज हॉस्टल 4 साल से बंद पड़ा हुआ है, 4 दीवारी का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे मतलब प्रशासन आता है विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ की तरह, मतलब एक महाराणा प्रताप है, यहाँ से सैकड़ों चारों जिलों के विद्यार्थी आते हैं, वहाँ पर जो प्रशासनिक बाबू बैठे रहते हैं वो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि जैसे यहाँ पे वीसी वो है, तो उनका मतलब स्टूडेंटों के प्रति सहानुभूति सम्मानपूर्वक बात नहीं करना, ये भी एक गलत है। यहाँ पे तो कुलपति महोदय उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, इधर से उधर वह इस बात को घुमाते रहते हैं, हर बार बात को घुमाया उन्होंने, 6 महीने से एक भी काम नहीं किया धरातल पे स्टूडेंट हित के लिए। इन मांगों को लेकर लगातार आप लेकर 4 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा नवंबर माह में, वहाँ पे हमारी बातें इन्होंने मानी थी और हम भूख हड़ताल से उठे थे, पैसे भी रिलीव हुए थे, फंड भी जारी किया गया था, लेकिन वो अभी तक धरातल पे नहीं हुआ। अब हम वीसी सर को बार बार ज्ञापन दें, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो हमारी लास्ट इस बार 7 दिन की मोहलत है, उसके बाद हम भूख हड़ताल करेंगे 2 दिन, और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएंगे। नाम महिपाल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर।